हो तो ये वीडियो गाइस स्पेशली आपके लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में YouTube ने एक न्यू अपडेट जारी कर दिया है, और ये YouTube के जारी क्या है, इसका आपको क्या फायदा होने वाला है और क्या कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जैसे गाइस यार यूट्यूब के आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता था, जैसे अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया, यूट्यूब चैनल अपना बंद हो गया, या कॉपीराइट कोई भी स्ट्राइक आ गई, तो हम डायरेक्टली यूट्यूब से बात करते थे। तब वहाँ पे डायरेक्ट हमें एक ही ऑप्शन मिलता था, एक ही लैंग्वेज मिलती थी, वो थी सिर्फ इंग्लिश की, हम उनसे बात करते थे। पर हाल ही में यूट्यूब इंडियन क्रिएटर के जो उनके जो यूट्यूब चैनल है उसके अगेंस्ट उन्होंने यहाँ पर एक पोस्ट डाल दिया है कि आप देवगिरी लैंग्वेज में भी यहाँ से आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देवगिरी लैंग्वेज में जो असल में कौन सी लैंग्वेज गाई, एक हिंदी लैंग्वेज है, उसको ही देवगिरी लैंग्वेज में कहा जाता है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे कि अपने को कुछ पहले थी जैसे कि मेल भी करते थे, तब वहाँ पे भी हमें गाइस इंग्लिश में ही वहाँ से बात करना पड़ता था, पर अभी ऐसा नहीं होगा। डायरेक्टली जाकर आप यूट्यूब को सर्च करोगे तो आपको कहाँ से कुछ प्रॉब्लम भी होता था, वहाँ से हेल्प ऑप्शन के अंदर भी जाकर वहाँ से आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती थी, पर अभी आप चाहे तो यूट्यूब से गाइस हिंदी में भी बात कर सकते हो। जैसे कि आपको लोगों को पता है कि आपको जैसे कि ट्विटर के ऊपर जाना है, वहाँ पर गाइस आपको पूरा के पूरा जो रहेगा देवगिरी लैंग्वेज में ही यहाँ पे लिखना है टोटली, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे टोटल इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि हमने हिंदी लैंग्वेज में ही उसको इंग्लिश में ही कन्वर्ट कर देते उसका नहीं चलेगा टोटली। जैसे कि जो हमारे हिंदी लैंग्वेज होती है वही लैंग्वेज में हमें यूट्यूब को अपना प्रॉब्लम बता देना है, और इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारे इंडिया में आज भी बहुत से ऐसे यूट्यूबर है उनको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है, इसकी वजह से गाइस यूट्यूब को भी वो टोटल अपने जो प्रॉब्लम है यूट्यूब को समझा नहीं पाते थे, इसके वजह से बहुत लोगों को दिक्कत होती थी गाइस। पर ये फाइनली एक न्यू अपडेट इंडियन यूट्यूबर के लिए बहुत अच्छा लेके आएगा। जैसे कि गांव में रहने वाले यूट्यूबर है उनको इंग्लिश तो नहीं आती है, पर जैसे कि आप ये अपडेट आने के बाद वो भी अपना प्रॉब्लम बड़ी आसानी से यूट्यूब टीम के पास भेज सकते हैं कि उनको क्यों उनका चैनल मोनेटाइजेशन हो गया, कुछ जो कोई दिक्कत हो गई उसके बाद डीमोनेटाइजेशन हो गया, इस यही सारे जवाब देते वो आपको गाइस ट्विटर में जाकर उनको बताना है। वैसे गाइस यार ये फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा और ये न्यू अपडेट यूट्यूब की तरफ से कैसा लगा, या इसके बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।